हेलो दोस्तों तो आज के ज्योग्राफी के प्रीमिक्स की बात करते हैं पर उससे पहले आई होप आपने आज का टू मिनट और बिग न्यूज देख लिया है बिग न्यूज में आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस की है विच इज कॉल्ड वैक्सीन नेशनलिज्म अगर आपने अब तक नहीं देखा है मेक मेकशोर आप उसको देखें बहुत ही आ, टिपिकल सा टॉपिक है जो कि आपका एक फुल फ्लेज टॉपिक बन सकता है फॉर मीन्स तो आपकी पहली क्वेश्चन है इन कॉन्टेक्स टर्म आकृति क्रोतिक फोर्स ये टर्म जो है न्यूज में रही है तो इससे एसोसिएटेड आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है पहला ऑप्शन क्या कहता है कि इनफॉर्मल टर्म है जो कि रेफर करती है सारे कोरोना वॉरियर्स को केरला में दूसरा एक फोर्स है जो स्पेसिफिकली नक्सल्स के लिए डिप्लॉय की जाती है इन दी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ योर कंट्री तीसरा है इट इज एसोसिएटेड विद टेक्नो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द रूरल सेक्टर और चौथा है ये एक इनफॉर्मल टर्म है उन सभी डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स के लिए जो कि कारण पैंडमिक में एक्टिव है ठीक है तो दो मिनट के लिए पॉज कीजिए और आपका आंसर है सी तो जो आपका आकृति है ये बेसिकली इक्रोनियम है फॉर एडवांस नॉलेज ऑन रूरल टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन इनिशिएटिव तो बेसिकली यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया गया है बाय बार्क मुंबई जिसमें ये क्या कर रहे हैं ये टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड एनजीओ को यूज करके रूरल सेक्टर का टेक्नो प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ करने की बात कर रहे हैं ठीक है जी याद रहेगा चलिए अगले सवाल पे आते हैं Often in news, what is climate? पहला ऑप्शन है है कि क्या कहता प्राइवेट इंडियन कंपनी जो कि वेदर फोकास्ट बताती है तीसरा है ये एक सुपर कंप्यूटर है जो कि उन सभी हेवनली बॉडीज की मूवमेंट को ट्रैक करेगा जो अर्थ के ग्रेविटेशन को अफेक्ट करती है चौथा है इन चारों में से कोई भी नहीं तो सोचे किस चीज़ से एसोसिएटेड आपने इसको न्यूज़ में सुना है एंड योर आंसर इज बी तो स्काई में जो है एक प्राइवेट इंडियन कंपनी है जो वेदर फोकास्ट प्रोवाइड करती है और उसके सॉल्यूशंस भी देती है ऐसी टर्म्स ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं फॉर एग्जांपल एक बार आपको क्वेश्चन आया हुआ था कि आ, सो सम इंटरनेशनल एन जी ओ का ये डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पूछा हुआ था कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है या डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स किस तरह या किस चीज़ से एसोसिएटेड है तो जितनी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो न्यूज़ में रहती हैं और स्पेसिफिक एन जी ओज ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं तो उसी तरह का एक क्वेश्चन देने की बात हुई है ठीक है तो uh, अगले क्वेश्चन पे आते हैं रिसेंटली कार्बन मोर देन एट थाउजेंड ईर्स ओल्ड वॉज फाउंडेड वर्ल्ड ब्लू होल इन योंगल ब्लू होल तो ध्यान रखना अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि वर्ल्ड का डीपेस्ट ब्लू होल कौन सा है उसका भी आंसर आपके पास है ठीक है जी अब आपको ये बताना है कि ब्लू होल्स एसोसिएटेड इन दोनों में से क्या ट्रू है तो ब्लू होल्स आर डीप सर्कुलर कॉलम्स ऑफ वाटर इनसाइड ओशंस जो कि तब फॉर्म होते हैं व्हेन रेन वाटर डिजोल्व अ सिंक होल थ्रू अ लाइमस्टोन रॉक

यहां कहानी लिखी है इसको मैं सिंपल शब्दों में समझाती हूं आपको कि ब्लू होल होता क्या है ठीक है ये आप देख रहे हो ये ऊपर वाला व्यू है आपका अगर आप ऊपर से देखोगे तो ब्लू होल कुछ ऐसा आपको नजर आता है ओशियंस में लेकिन होता क्या आप क्या इन केव्स को देख पा रहे हो ये जो केव्स थी ये पहले लैंड पे होती थी है ना बट इवेंचुअली जैसे-जैसे आपका ग्लोबल वा, ग्लोबल वार्मिंग हुई और सी का लेवल बढ़ा दीज केव्स वर एक्चुअली लेट्स uh, ये जो केव्स थी इवेंचुअली कोलैप्स होके पानी के नीचे चली गई ठीक है क्यों क्योंकि पानी का लेवल हो गया रहा? इस तो जो चीज अब पानी के लेवल से ऊपर थी अब वो क्या हो गई पानी के लेवल के इक्वल आ गई या उनके नीचे आ तो अल्टीमेटली ब्लू होल्स राइट इस तरह के तो इस ब्लू कलर की चीज के नीचे आपकी मरीन कैव होती है मरीन क्या, क्या होती है जो मैंने आपको यहां दिखाई कुछ ऐसी लॉजिक समझ में आए कि क्या हो रहा है इट right? तो अब जो ये मरीन के है यहां पे इसका नाम है योंगुल ब्लू होल ठीक है जस्ट चेक आउट कि ये कौन से सी से एसोसिएटेड है दिस इज समथिंग यू हैव टू गो एंड चेक एट योर एंड ठीक है जी याद रहेगा चलिए अगला क्वेश्चन इन द साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीज़न्स ठीक है इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड साइक्लोन्स ओरिजिनेट नहीं होते क्यों मिनट के लिए पॉज कीजिए क्वेश्चन छोड़ना नहीं आप सोचिए कि साउथ अटलांटिक और साउथ ईस्टर्न पेसिफिक रीजन कौन से बने ठीक है दो मिनट के लिए मैप को पिक्चर कीजिए पॉज कीजिए वीडियो और सोचिए यहाँ साइक्लोन्स क्यों ओरिजिनेट नहीं हो सकते मान लीजिए आपको नहीं पता ऑप्शन से आप ग्रास्प करने की कोशिश कीजिए और यहाँ पे आंसर है सी सर्फ टेम्परेचर जो है यहाँ पे लो हो जाते हैं ठीक है तो इन रीजन में बेसिकली क्या है आ, आपको पता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन की फॉर्मेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है और जो टेम्परेचर है सी सर्फिस टेम्परेचर है वो भी एक स्पेसिफिक वैल्यू होनी चाहिए राइट इसकी एक पर्टिकुलर रेंज है लेकिन इन पर्टिकुलर रीजन में जो सी जिनकी सरफेस टेम्परेचर्स है ये बहुत ही ज्यादा लो है ये इस तरह का टेम्परेचर देते ही नहीं कि यहाँ पे साइक्लोन्स ओरिजिनेट हो ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक बार यूपीएससी में पूछा जा चुका है इसलिए आई एम डिस्कसिंग दिस टुडे, ठीक है जी चलिए आखिरी सवाल पे आते हैं पी में बहुत अच्छा आर्टिकल था इस पर कि एलगल ब्लूम इंफॉर्मेशन सर्विसेज़ जो है न्यूज में रही है इसका बेसिक एजेंडा क्या है कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन देती है कि जो फाइटो प्लांटन ब्लूम्स हैं अराउंड नॉर्दर्न इंडियन ओशन कहाँ कहाँ पर है ठीक है अब यहाँ पे वेन दे स्पोक अबाउट की uh, हम एल्गल ब्लूम्स को या जो फाइटो प्लांटन ब्लूम्स हैं देखेंगे कहाँ कहाँ पे हैं तो इन्होंने चार रीजन आइडेंटिफाई किए एज ब्लूम हॉटस्पॉट और ऐसे की ऐसे आपके पीआईबी में मैंशनड है ठीक है तो यहाँ पे मैंने चार ऑप्शंस दिए हैं अब आप देखिए कि क्या आपने इसके बारे में पढ़ा है कौन से चार रीजन्स हैं जिनको की ब्लूम स्पॉट ब्लूम हॉटस्पॉट्स कहा गया है नॉर्थ ईस्टर्न अरेबियन सी कोस्टल वाटर्स ऑफ केरला गल्फ ऑफ मन्नार एंड कोस्टल वाटर्स ऑफ गोपालपुर ठीक है तो आपका आंसर यहाँ पे क्या है डी जो ये कोस्टल वाटर्स ऑफ गोपालपुर है इज एसोसिएटेड विद उड़ीसा तो absolutely इसको ऐसे कैसे आप याद करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एग्जैक्टली सेम लाइन मैंने आपकी पी से ली हुई ठीक है जी चलिए दैट ऑल फ्रॉम माई एंड आई एम अगेन रिपीट आई होप यू सीन द बिग न्यूज एंड टू मिनट सीरीज टू इसके बाद भी आई विल अटैचिंग द लिंक्स तो आप वहां से भी देख सकते हैं एंड यू नो अबाउट ऑल बैचेस सेवन सेप्टेम्बर पे इसकी जो सब्सक्रिप्शन प्लान हैं इनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो बंद हो जाएंगी वेरी लिमिटेड सीट वी ओनली गोइंग टू टेक टू हंड्रेड स्टूडेंट्स इससे ज्यादा अभी हम कैपेसिटी हमारे पास नहीं है तो अगर आप इनरोल करना चाहते हैं मेक श्योर आप इस डेट से पहले इनरोल कर लें और कोई भी इशूज हो कोई भी डाउट्स हो दोस्तों मैं हमेशा कहती हूँ प्लीज फील फ्री टू कॉल आस आई वे ऑलवेज गिवन यू आर नंबर आई एम गिवे गैन ठीक है तो यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम संडेज एवरीबडी एनी बड़ी विल बी अवेलेबल ठीक है संडेज देर बी नो बड़ी अवेलेबल आप वीकडेज पे कॉल कर सकते हैं शाम के छह बजे तक ठीक है जी चले दैट वॉज ओके फ्रॉम आई एन ओके दोस्तों बो बाय